दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वैसे क्या चीज़ है जो हर बिगिनर फुटबॉलर स्ट्रगल करता है अपने स्टार्टिंग कैरियर में वो सीखने के लिए? वैसे क्या चीज़ है जिसको सीखने के लिए हर किसी इंसान या हर किसी फुटबॉलर के दिल में एक क्यूरियोसिटी रहता है? वैसे क्या चीज़ है जिसको सीखने के बाद बॉल और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रांग हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ जगलिंग के ऊपर। देसी सुबह से मानते हैं विजडम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम, और आज हम सीखेंगे जगलिंग के बेसिक टेक्निक्स, जो कम्प्लीटली बिगिनर है, जो बिल्कुल बॉल को टच करते ही बॉल भाग जाता है उनके पैर से, उन्हीं के लिए आज ये वीडियो है। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं जगलिंग के बारे में, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, सीरीज बाय सीरीज, एक के बाद एक वीडियो आएगा, नए नए लर्निंग टेक्निक्स सीख के जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, ये वीडियो के सीरीज कंप्लीट करने के बाद और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस टेक्निक को, तो डेफिनेटली आपका जगलिंग होगा, भगवान भी नहीं रोक सकते आपका जगलिंग होने में। जो आप देखते हैं टीवी में 100,000 5,000 जितना भी देखते हैं, जो कर देते हैं प्रोफेशनल लेवल पे जो प्लेयर सब, वो आप भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी बात करेंगे टिप नंबर वन के बारे में। टिप नंबर वन ये है कि आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना पड़ेगा। जो जितना भी बोले कि है तेरा जगलिंग नहीं होगा, ये कभी होता ही नहीं है, ये सिर्फ फुटबॉलर जानते हैं, ये सब बड़े बड़े प्लेयर कर सकते हैं, अब तो तेरा होगा ही नहीं, जो भी ऐसा बोलेगा आपको सुनना नहीं है, आपको बिल्कुल भी ध्यान ही देना नहीं है। जो भी वैसा बोले आपका जगलिंग होगा ही होगा, हर चीज़ का आप जो रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं उसी का प्रोडक्ट आप हैं। आप खुद इमेजिन करके देखिए, आप जो चीज़ अभी सीखे हैं उसको आप कितना बार पिछले टाइम में प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप जो प्रैक्टिस करते हैं आप वही बनते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस करने से होगा। तो टिप नंबर वन यही है कि आपको किसी के बात पर ध्यान देना नहीं है, अपने मेंटल बिलीव को स्ट्रांग रखना है कि आपका जगलिंग होगा ही होगा। सो गाइज, अभी बात करेंगे टिप नंबर टू के बारे में। टिप नंबर टू ये है कि आपको बॉल में बैकस्पिन पुट करना है। बॉल में जैसे बैकस्पिन हो, अभी जैसे देखिए, ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ये इसको मेरा पैर समझिए, ये मेरा पैर है, पैर के ये सब पार्ट होते हैं। तो ये है आपका लेसेस वाला पार्ट, लेस कम्प्लीटली लेस के थोड़ा ऊपर आपको बॉल टच करना है, और आपको ये फील करना है कि आपको बॉल में बैकस्पिन लाना है। बैकस्पिन बॉल जैसे ऐसे मैं अगर बॉल को मार रहा हूँ तो बॉल पीछे, बैकस्पिन पीछे मेरी तरफ घूमेगा, बैकस्पिन बॉल के ऊपर आपको बैकस्पिन पुट करना है। बैकस्पिन पुट करेंगे कैसे, बैकस्पिन पुट ऐसे करेंगे कि बॉल को आपको नीचे से हिट करके यहाँ नीचे मिडिल में हिट करेंगे, यहाँ हिट करेंगे और इस साइड में ख़त्म करेंगे, ऐसे जाके ख़त्म करेंगे। तो ये है गाइड टिप नंबर टू। टिप नंबर थ्री ये है कि फुट को आपको लॉक करना है, मारने के टाइम आपको फुट को आपको लॉक करना है। जैसे ये है एंकल, ये है मेरा एंकल, इसको मैं ऐसे लॉक करूँगा जैसे ये हिल नहीं पाएगा। अगर आप टॉपी एंकल में मारेंगे, अगर आप मतलब आपका एंकल लूज होगा तो बॉल इधर उधर ज़रूर भागेगा। आपको एंकल पूरा लॉक मतलब ऐसे लॉक, कोई हिला नहीं पा रहा है, ठीक है, मेरे एंकल को अभी कोई हिला नहीं पाएगा। आपको ऐसे एंकल लॉक करना है कि आपका एंकल को जैसे कोई हिला नहीं पाए, फिर बॉल को टच करना है। ये है टिप नंबर थ्री। अभी बात करते हैं टिप नंबर फोर के बारे में। टिप नंबर फोर ये है कि बॉल को मारने के टाइम पैर आपका ये जो नी स्ट्रेट, जब किक करेंगे तो नी स्ट्रेट रहेगा, ऐसे। अगर आप ऐसे ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं बहुत बार कर लिया हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा अगर आप करेंगे। नी अगर बेंड रहेगा बॉल को जब स्ट्राइक करते हैं, तब अगर आपका नी बेंड रहेगा तो आप कभी भी जगलिंग नहीं सीख पाएंगे, अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, टेक्निक गलत होगा, सब कुछ गलत होगा। तो नी को कभी बेंड ना करें, नी को ऐसे खुले, मतलब ये डबल फ्लेक्शन होगा, पहला फ्लेक्शन ये, मतलब जब पैर उठेगा मारने के ठीक टच करने के टाइम सीधा हो जाएगा, सीधा, समझ पाए। तो चौथा टिप ये है कि आपको नी को कभी मोड़ना नहीं है, ऐसे जब किक करेंगे, जिस टाइम में किक करेंगे उस टाइम नी को आपको खोल देना है, फ्लेक्स करके टो अपरवर्ड रहेगा, आपका टो ये अपरवर्ड रहेगा और एंकल लॉक रहेगा, तभी जाके आप प्रॉपर जगलिंग कर सकते हैं, बॉल को प्रॉपर तरीके से हिट कर सकते हैं। तो गाइस, ये चार टिप को आप पहले ध्यान में रखिए, ये चार टिप के बिना जगलिंग करना इम्पॉसिबल है। आप ये चार टिप ये जगलिंग के बेसिक टिप्स हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप फर्दर जगलिंग सीखेंगे।
तो अभी आपको मैं एक ड्रिल बताने वाला हूँ, एक मैजिकल ड्रिल जिसका बिल्कुल भी जगलिंग नहीं होता, जो थोड़ा भी जगलिंग 1% में नहीं होता उसका, वो भी मास्टरी हासिल कर सकता है, हज़ार हज़ार बार जगलिंग कर सकता है। बिलीव मी गाइस, ये सच है। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, मैं जो ड्रिल बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल ड्रिल्स हैं। प्रैक्टिकल ड्रिल्स को अगर आप अपने गेम में यूज करेंगे, प्रैक्टिस में यूज करेंगे, तो आप ज़रूर जगलिंग कर सकते हैं, बॉल कंट्रोल आपका पीक लेवल पर जा सकता है। तो ड्रिल नंबर 1, किक एंड कैच। हम क्यों करेंगे, क्यों हम ड्रिल नंबर 1 पे ये चीज़ रखे हैं, क्योंकि पहले जो लड़का बॉल को जगलिंग करना सीखता है, पहले उसका बॉल के साथ रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब होता है, इसीलिए उसका बॉल इधर उधर भाग जाता है। तो इसीलिए अगर हम किक एंड कैच प्रैक्टिस करेंगे तो जिस जगह पे बॉल लगना चाहिए, पैर का जिस जगह पे बॉल लगना चाहिए, जैसे कि मैं बता रहा था लेस की जगह में, लेस के थोड़ा ऊपर में यहाँ पे लगना चाहिए, तो उस जगह में बार 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 लग लग के आपका रिपीट हो के वो चीज़ पूरा आपके हैबिट में बदल जाएगा। तो आप बार 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 उसको लगा के उसको आप मतलब तब जब नॉर्मल जगलिंग भी करेंगे तो आप एक्सपर्ट लेवल को हासिल कर लेंगे। तो बार 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 उस जगह के लिए करने के लिए किक एंड कैच रोज़ इस पैर में 50 किक एंड कैच, इस पैर में 50 किक एंड कैच, 100 किक एंड कैच कीजिए रोज़ कर करके जाइए। किक एंड कैच करने के बाद अभी आपको दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ, दूसरा ट्रिक ये है कि डबल किक एंड कैच, 1 2 कैच। ये करने के बाद आपका रेपिटेशन और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो यही है आज के जगलिंग टिप्स, ये है बेसिक जगलिंग टेक्निक्स। पहले आप 1 महीने तक, जिसका जगलिंग नहीं हो रहा है, 1 महीने तक रोज़ 50 से 100 ठो किक एंड कैच करते जाइए। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा बॉल के साथ, फिर मैं अगले वीडियो लेके आऊँगा। अगले वीडियो खूब कम दिन में आने वाला है अगले वीडियो, और हम उसमें और थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे, और थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। ऐसे जाने के बाद एक दिन ऐसा आएगा आप भी 1,000, 1,500, 2,000 जितना चाहें उतना जगलिंग कर सकते हैं। जगलिंग आपके लिए खेल बन जाएगा, बाएं हाथ का खेल। तो सो दिस इज द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपके लव प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल पर एक तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने टीममेट्स और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गाइस कि आपको कौन कौन के बारे, किस किस टॉपिक के बारे में दूसरा वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव दिस ब्यूटीफुल गेम, ट्रेन लाइक ए बीस्ट।